करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा, 6 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा होगी। पेपर लीक पर सरकार का फैसला, योगी सरकार ने मानी छात्रों की मांग। 48 लाख छात्रों को मिली बड़ी राहत, 6 महीने के भीतर अब परीक्षा दोबारा होगी। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पेपर लीक मामले की जांच यूपी एसटीएफ करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फैसला, छात्रों की मांग को मानते हुए परीक्षा को किया रद्द। पेपर लीक करने वाले एसटीएफ के रडार पर, सीएम योगी ने कहा। और मामले पर यूपी एसटीएफ जांच कर रही है। पेपर लीक करने वालों पर लगातार नजर है, खिलवाड़ करने वालों पर होगा बड़ा एक्शन। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पेपर लीक के बाद सरकार का फैसला, सीएम योगी आदित्यनाथ ने परीक्षा को किया रद्द। 6 महीने के भीतर होगी दोबारा से परीक्षा। देखिए, हाल ही में भर्तियां निकली थी उत्तर प्रदेश पुलिस में, और ऐसे में पेपर लीक के बाद में लगातार सियासत भी हुई और छात्रों की तरफ से भी मांग की गई कि इन परीक्षाओं को रद्द किया जाए। क्योंकि एक सवाल यह उठ रहा था कि एक तरफ सरकार की तरफ से पहले यह कहा जा रहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, ये कोरी अफवाहें हैं। लेकिन फिर इस पूरे मामले को लेकर एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि अगर ज्यादातर छात्रों के अच्छे नंबर आए तो क्या सभी को नौकरियां सुनिश्चित करेगी सरकार। अब आखिरकार छात्रों की मांग को मानते हुए 6 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा कराने का फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार का पेपर लीक मामले की जांच यूपीएसटीएफ करेगी। रडार पर है पेपर लीक करने वाले, सीएम योगी ने कहा। पेपर लीक करने वाले एसटीएफ के रडार पर है योगी सरकार का फैसला। 48 लाख छात्रों को बड़ी राहत मिली और दोबारा से होंगे परीक्षा यानी एग्जाम। योगी सरकार ने रद्द की पुलिस भर्ती परीक्षा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्तियां निकली थी और अब इसी पूरे मामले को लेकर देखिए, ये एक लेटर, ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है जिसमें अब साफ तौर पर लिखा गया है कि 17-18 फरवरी 2024 को जो पुलिस भर्ती परीक्षा के संबंध में सूचना परीक्षण के आधार पर शासन द्वारा सम्यक विचार करने के बाद में आखिरकार ये फैसला लिया गया है। जो तथ्य और सूचना मिली उनके आधार पर ये फैसला लिया गया है कि भर्तियों को रद्द किया जाता है और अब जहां पर भी जिसकी भी लापरवाही रही है उन सभी के खिलाफ में FIR दर्ज कराकर कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 17-18 तारीख को 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और उत्तर प्रदेश के अंदर ये भर्तियां निकली थी, लेकिन अब वही भर्तियों को इन पेपर लीक करने वालों की नजर लगी और ऐसी नजर लगी कि परीक्षाएं फिर डिले हो गई एक तरीके से, क्योंकि परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा। छात्रों की यह मांग थी कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए पेपर लीक होने के कारण। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कब हुई थी? 17-18 तारीख। पेपर लीक करने वालों पर एसटीएफ की नजर है। 17-18 फरवरी 2024 सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भर्तियां निकली थी और अब ये भर्तियां रद्द हो गई हैं। 6 महीने के भीतर फिर से ये भर्तियां होंगी, क्योंकि देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पर लगातार बवाल बढ़ता जा रहा था और यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर क्या सच में लीक हुआ था, जो सवाल लगातार बना हुआ था, उसमें एक लबोलुआब यह है इस पूरी खबर का कि फिलहाल ये परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 17-18 फरवरी 2024 को इसी को लेकर परीक्षा हुई थी। यूपी पुलिस परीक्षा 2024 की सभी डिटेल्स यूपी पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अब चेक करने का पहले ऑप्शन था, लेकिन अभी की अगर बात करते हैं तो सबसे बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल ये भर्तियां रद्द हो गई हैं और अब फिर से ये भर्तियां होंगी। एहतेशाम मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे एहतेशाम का रुख करते हुए। एहतेशाम, लगातार छात्र मांग कर रहे थे कि इन भर्तियों को अब रद्द किया जाए क्योंकि यहां पर पेपर लीक हुआ है और सरकार ने भी ये फैसला लिया। इस पूरे फैसले में क्या क्या प्रोविजंस हैं, जरा डिटेल से जानकारी दीजिएगा। देखिए, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत पहले से इस परीक्षा को कराने की तैयारी कर ली थी और ये कहा भी जा रहा होती है तो उस पर जो सालवर गैंग होते हैं नजर रखते हैं। यूपी पुलिस के अपने एसटीएफ, एटीएस अपनी खुफी एजेंसी पर लगा रखी थी। 17 और 19 फरवरी को दोनों पालियों में परीक्षा हुई है और तकरीबन 48 लाख बच्चों ने इसमें शिरकत किया था। हम आपको बता दें, इसी दौरान एसटीएफ को कई जगहों पर सूचनाएं मिली थी और कई लोगों को उसने पकड़ा था जिनके पास सबूत ऐसे मिले थे जो इस बात पर चक कर रहे थे कि ये पेपर लीक हुआ है, लेकिन अधिकारी इसको मानने को तैयार नहीं थे। जब कई लोगों को एग्जाम हॉल से उठाया गया था, उनके मोबाइल पर जो मैसेज आए थे वो हूबहू मैच किए गए और कई ऐसे सोर्सों से ये जानकारियां मिली, उनको सबूत मिले कि जो सवाल है वो वही सवाल है जो सवाल एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, सिर्फ उसका प्रारूप थोड़ा सा चेंज किया गया है, लिहाजा बाकी सब कुछ वही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एजेंसियां सिस्टम को ट्रैक कर रही थी, एजेंसियां व्हाट्सएप सिस्टम के जरिए सिस्टम को ट्रैक कर रही थी, लेकिन जो पेपर आउट हुआ, पेपर दिया गया, पेपर का प्रसारण हुआ पूरे यूपी में,
वो टेलीग्राम के जरिए हुआ और कई जगह पे सेंटर बनाए गए थे जहां पे रात में बच्चों को बुलाया गया, उनको ब्रीफ किया गया कि सवाल पढ़ लीजिए, उनको बकायदा टिक दिया गया था किस नंबर में ये टिक लगाना है, इस नंबर में टिक लगाना है। उसके वायरल होने के बाद तब बवाल शुरू हुआ और बवाल की जानकारी एग्जाम के दो घंटा पहले ही पूरी तरह से वायरल हो गया। लेकिन एहतिशाम, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार ये कहती रही कि पेपर लीक नहीं हुआ। जब यह ट्वीट किया गया कि पेपर लीक हुआ, उस दौरान में भी यह कहा गया कि पेपर लीक जैसी खबर सिर्फ भ्रामक है। लेकिन अब जब सरकार ने यह फैसला लिया है तो इसका मजबूत आधार क्या है, या फिर इसके पीछे क्या लॉजिक माना जाए? जो छात्रों की नाराजगी थी, जो उनकी मांग थी, वो एक बड़ी वजह है, या फिर अब सरकार भी इस बात को मान रही कि पेपर लीक हुआ था? देखिए, सरकार अभी तक इस बात को नहीं मान रही थी कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो लोग पकड़े गए, जो सबूत मिले हैं और जो अंतर सीट मिली है, वो अंतर सीट जो क्वेश्चन आयर है उससे हूबहू मिल गई और इस बात का जिक्र पुलिस ने अपनी FIR में दर्ज किया है। उसके बाद ये हंगामा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, हजारों की तादाद में युवा बेरोजगार जो इसमें शामिल थे वो लखनऊ प्रदर्शन करना शुरू कर दिए और उनको कहीं न कहीं विपक्ष का भी साथ मिलता चला गया। ऐसे में कहीं न कहीं सरकार ने भी इस बात को समझ लिया और लगातार सोशल मीडिया के जरिए लगातार प्रदर्शनकारी इस बात का ऐलान कर रहे थे कि वो अपनी लड़ाई लड़के रहेंगे और उनकी संख्या 48,000 है और उनके घर में 5-5, 6-6 वोट है। हम आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, 80 सीट है और यूपी से लेकर पूरे देश भर से बच्चे इसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार पे ये दबाव पड़ता चला जा रहा था। वहीं आरओ और एआरओ की परीक्षा को भी लेकर सरकार दबाव में है। हम आपको बता दें कि अभी जहां एक तरफ पुलिस विभाग ने परीक्षा को रद्द करने का निर्देश जारी किया है, वहीं उत्तर प्रदेश के कार्मिक ACS डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने एआरओ और एआरओ के क्वेश्चन को लेकर, उसकी गड़बड़ियों को लेकर भी सुझाव और अपने अडेट लाइन जारी किया है कि अगर आपके पास कोई शिकायत हो आप दीजिए, तो हो सकता है कि वो भी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं यूपी में चुनाव है, सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस देश की सबसे बड़ी पुलिस कही जाती है और 48 लाख जो युवा है वो कहीं ना कहीं करोड़ों के परिवारों को प्रभावित करते हैं। और ऐसे में सवालिया निशान खड़ा हो रहा था कि जब पुलिस की FIR में इस बात का जिक्र है कि जो अभ्यर्थी के पास आंसर शीट मिली है वो क्वेश्चन आयर से मैच करती हुई मिली है, जो नकल करता हुआ व्यक्ति पकड़ा गया है, जो व्यक्ति एग्जामिनर हॉल में पकड़ा गया है, उसके पास वही चिट है जो सवाल उसमें आए हैं और क्वेश्चन नंबर हूबहू मिलते हैं। तो ये पुलिस की FIR में जब चीजें मैच कर गई, उसके बाद ये दबाव बढ़ता चला जा रहा था पुलिस पर, सरकार पे, कि इस भर्ती को रद्द किया जाए कि नहीं किया जाए। उसके बाद कल पुलिस भर्ती पर एहतिशाम, हालांकि सरकार ने इन जो भर्ती परीक्षा थी उनको तो निरस्त कर दिया, रद्द कर दिया, लेकिन फिर FIR कह रही है कि हाँ, जो भी क्वेश्चन लीक हुए थे वो सिमिलर है क्वेश्चन पेपर से। फिर क्या ऑफिशियली इसको कबूला नहीं जा रहा, लेकिन अनऑफिशियली इसको कबूला जा चुका है? देखिए, अनऑफिशियली कबूला इसलिए जा चुका है कि मुख्यमंत्री ने इस परीक्षा को रद्द करने के लिए खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, लिहाजा अब इस पूरे मामले पर कोई भी आला अधिकारी बोलना नहीं चाहता। छात्र क्या कह रहे हैं, जिन छात्रों को पहले बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार वो पुलिस भर्ती निकलती है, फिर परीक्षा होती है, फिर परीक्षा निरस्त होती है, अब उनका क्या कहना है? अब नाराजगी खत्म होती है, फिर से तैयारी में जुटेंगे? देखिए, अब नाराजगी और बढ़ेगी, नाराजगी खत्म नहीं होती है, क्योंकि 6 महीने में पेपर कराना तो भी बहुत बड़ी चुनौती होती है और ऐसे में सवाल ये उठता है उनका कि क्या गारंटी है कि अगली परीक्षा सही हो सके, जब इतनी फुल प्रूफ परीक्षा पूरी तरह से लीक हो गई है। और पुलिस की किरकिरी तब हुई जब एक विद्यार्थी ने आवेदन किया था कि उसको परीक्षा देनी है, लेकिन उसके आवेदन पर एक हीरोइन का फोटो लगकर आता है, वहां से किरकिरी शुरू हुई है। पुलिस अभी तक उस आरोपी को नहीं पकड़ पाई है कि आखिर पुलिस की वेबसाइट से फोटो किसने बदला है। हाँ, IP एड्रेस का पता जरूर चल चुका है, क्योंकि वो बहुत साधारण परिवार का लड़का था, उसको उम्मीद थी कि वो पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होगा, लेकिन जब उसको प्रवेश पत्र मिलता है तो सनी लियोन की फोटो लग के मिलती है, वो भी कहीं ना कहीं सवालिया खड़ा निशान हो रहा था। अब पूरे देश, पूरी दुनिया में सनी लियोन की कदर चर्चा में बन गई थी कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की परीक्षा में डिजिटल प्रवेश पत्र, जो वेबसाइट पुलिस के कंट्रोल रूम में रहती है, उस पर सनी लियोन की फोटो कैसे लगी। तो क्या जो जांच पड़ताल होगी वो डिजिटलाइजेशन वे में देखा जाए, तो ये जो लगातार ये प्रयास हो रहे हैं जिस की भी तरफ से हो रहे हैं, क्या नजर उन पर भी रहेगी, या फिर सिर्फ जो पेपर लीक करने वाले नजर उन पर रहेगी, या खामियां कहां कहां पर हुई हैं? क्योंकि इस पूरे परीक्षा में इस तरीके से देखा जाए तो काफी सारे लूप होल्स आ गए सामने, और अब इन लूप होल्स पर जवाब भी देना होगा प्रशासन को, और जवाब देने के साथ साथ फिर से सुनिश्चित भी करना होगा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।
देखिए उत्तर प्रदेश में इस परीक्षा को लेकर विपक्ष एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लेगा। विपक्ष अब जितनी भी रैलियां करेगा, जो भी आक्रामक मूड में रहेगा, वो साफ तौर से कहेगा कि यूपी में भी पेपर लीक होते हैं। और इस बात को भले ही सरकार कबूल न करे, लेकिन परीक्षा को रद्द करके ये बात प्रूफ कर दिया है कि पेपर लीक हुए हैं, और पुलिस के FIR में भी इस बात का जिक्र है। तो कहीं ना कहीं पुलिस भर्ती परीक्षा जो है वो जिस FIR का जिक्र आप कर रहे हैं एहतेशाम, पुलिस की उस FIR में क्या क्या पॉइंट्स हैं, मैं चाहूंगी जरा डिटेल से आप बताएं कि दर्शकों को भी पता चले कि जो FIR हुई है उसकी जांच आगे किस किस आधार पर और किस किस लिहाज से होगी। देखिए पुलिस की तरफ से जो दो FIR दर्ज हुई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस दोनों FIR में इस बात का जिक्र है कि जो क्वेश्चन आयर मिले हैं वो पूरी तरह से हूबहू मिलते हैं। बहुत से जो छात्र हैं वो क्वेश्चन आंसर को पहले ही रख लिए थे, लेकिन बहुत से लोगों को देर में क्वेश्चन मिला, वो चिट बनाकर लाए थे, उन्होंने अपनी कोडिंग के हिसाब से उसको लिख रखा था। जैसे सवाल ये हुआ है कि कौन सा बॉलर है जिसको अर्जुन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, कुछ लोगों ने ABCD लिख कर आया था, डी सही है, कुछ लोगों ने साफ तौर से लिख रखा खिलाड़ी का नाम लिख रखा था, या वो कौन सा मुस्लिम खिलाड़ी है उसको ये अवार्ड मिला। तो कई तरीके से क्वेश्चन को बताया गया था और दिखाया गया था, यही सवाल आएंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, लखनऊ की तस्वीरें या छात्रों की खुशी जो प्रदर्शन करते नजर आ रहे थे, वो अब तिरंगा लहराते हुए नजर आ रहे हैं, छात्रों को अपनी जीत लग रही है। ये 12:24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, योगी सरकार कसेगी नकल माफिया पर शिकंजा, लेकिन इस बीच जरा देखिए ये जीत छात्रों के चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। पेपर लीक के बाद में लगातार मांग की जा रही थी परीक्षा को निरस्त करने की, जी ने हमारी मांग पूरी कर दी है, चारों धन्यवाद करना चाहते, हमारी मांग पूरी करती वो लोग, मांग माननी ही पड़ती, सरकार चाहे जो भी कर ले लेकिन उसे माननी ही पड़ती, क्योंकि हमारा जो युवा दल है सबको पता था कि पेपर लीक हुआ है, सरकारें भी जानती थी कि पेपर लीक हुआ है, और अगर ऐसा नहीं करती तो समझ लीजिए समस्त युवा, अगर सरकार ऐसे नहीं करती समस्त युवाओं में होती नाराजगी। और अब चेहरे पर है खुशी, कह रहे हैं कि जो छात्रों की मांग थी वो तो सरकार को माननी ही थी क्योंकि ये युवाओं के हक की बात थी, और अब देखिए उसके बाद चेहरे पर खुशी छात्रों के, क्योंकि लगातार ही मांग की जा रही थी कि इन परीक्षाओं को अब रद्द किया जाए, आखिरकार योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करके 6 महीने के भीतर परीक्षा कराने का ऐलान कर दिया है। युवा इस वक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जो उनका हक उस पर डाका पड़ा था आखिरकार वो हक उनको वापस मिला, उनके पास फिर मौका होगा अप्लाई करने का, जॉब पाने का।